में सिलेंडर की और रेगुलेटर की लीकेज की वारंटी है, कहीं से भी लीकेज हो तो वापस चेंज हो जाएगा। ब्लास्ट नहीं होगा, ये ब्लास्ट कभी भी नहीं होगा, ये एक जाल बन जाएगा और ये नीचे से पंचर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी मौजूद हूँ मैं एक गैस सिलेंडर की शॉप पे, जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, कराची हार्डवेयर के नाम से ये शॉप है और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन किस्म के सिलेंडर मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग जो हैं पहले जो मेटल के जो सिलेंडर यूज़ करते थे, उनमें ये एक ख़तरा होता था कि वो जो है कभी धमाका कर सकते थे, कोई नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन अभी बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि फ़ाइबर के सिलेंडर बना रही है। जैसे कि आपको मेरे बैक साइड में नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ पे कुछ फ़ाइबर के जो सिलेंडर है वो मौजूद हैं। तो आज इसी हवाले से आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि फ़ाइबर का सिलेंडर कैसा होता है, कितने का मिलता है और इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि दूसरा जो सिलेंडर है जो कि लोहे का सिलेंडर होता है, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। खुदा ना खास्ता कभी कोई धमाका हो जाए, कोई इस तरह का मसला हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल सलूशन आ चुका है और जो फ़ाइबर के सिलेंडर हैं बहुत ज़्यादा आवाम जो है पसंद भी कर रही है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि फ़ाइबर का सिलेंडर जो है वो हमें कितने का मिलेगा और इसके मज़ीद क्या क्या फ़ीचर हैं, हमें इससे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ रहें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सेहत के अल्लाह करम है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलिए मेरा ये एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि फ़ाइबर के सिलेंडर बना रही है, जी जी, तो इस हवाले से जो हमारे व्यूवर हैं इनको बताएँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम इसका मुकाबला करें जो हमारे पुराने सिलेंडर लोहे के सिलेंडर हैं, उन दोनों में फ़र्क बता दें। देखिए, लोहे का सिलेंडर होगा उसमें इसके अंदर गैस थोड़ी बहुत, अगर गैस भी होगा, आग लग गई है, खुदा ना खास्ता घर के अंदर होगा, किसी फैक्ट्री के अंदर होगा, तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये पड़ जाएगा। ये समझो ये खुद का धमाका करेगा, नुकसान करेगा, या घर को उड़ाएगा, बिल्डिंग को कोई चीज़ नुकसान करेगा। फाइबर का सिलेंडर ये है, ये ब्लास्ट नहीं होगा, ये ब्लास्ट कभी भी नहीं होगा, ये एक जाल बन जाएगा और ये नीचे से पंचर हो जाएगा, गैस निकल जाएगी, ये ब्लास्ट नहीं होगा। इसके अंदर 10 किलो गैस भर के इसके और आग के ऊपर रख के चेक किया गया, बाकायदा कंपनी वालों ने चेक किया गया, ये कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। ये फाइबर है, ये फाइबर पड़ता नहीं है, ये पिघल के ये जाल बन जाएगा, ये ब्लास्ट नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा है। उसका दूसरा फ़ायदा ये है, इसको कभी भी जंग नहीं लगता, इसको आप पानी में इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल करें। लोहे का सिलेंडर होता है 1 से 2 महीने बाद उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग लग लग के उसकी चादर कमज़ोर है, उसके बाद ये फट जाता है। लेकिन फाइबर का सिलेंडर है, इसको पानी के अंदर भी आप रख के इस्तेमाल कर सकते, कभी ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना फटेगा, इसका फ़ायदा ये है। ठीक हो गया। मैं अभी जो एक सवाल आपसे पूछूँगा कि रेट के हवाले से दोनों के में क्या फ़र्क है, लेकिन उससे पहले जो है जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको आप थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दें और ये भी आप बता दें कि आपकी जो शॉप है उसमें अगर कोई आता है, फॉर एग्जांपल कि मेरा अगर व्यूवर कोई कुरंगी में रहता है, मेरा कोई व्यूवर अगर नाजमाबाद या किसी ऐसे आपसे थोड़ा दूर रहता है, अगर वो यहाँ पे आता है तो एक तो उनको लोकेशन समझा दें, दूसरा उनको ये समझा दें कि आप जो है कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं या कोई आपके जो रेट है वो थोड़े बेहतर हैं ताकि लोग यहाँ का विज़िट करें। देखें सर, ये हमारा जो जगह है ये मेन लंडी कोतल चुरंगी नॉर्थ नादाबाद का इलाका कहलाता है, बिल्कुल मेन लंडी कोतल चुरंगी है, कराची हार्डवेयर के नाम से है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-906-961। और दूसरी बात ये, आप रेट का बात कर रहे हैं, रेट हमारे फिक्स रेट हैं, भले आपको एक सिलेंडर ले और 50 सिलेंडर लो, 8,000 रुपये का हम सिलेंडर देते हैं, 500 रुपये का रेगुलेटर है, दोनों मिला के हम 8,500 रुपये का दे रहे हैं। इससे अभी अभी के रेट हैं, बाद का कोई पता नहीं है, रेट बढ़ भी सकते हैं, असल में पीछे माल नहीं बन रहा है, माल शॉर्ट है, माल बन नहीं रहा है, काफ़ी रनिंग ज़्यादा है, माल पूरा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से माल शॉर्ट है। अभी जो रेट हमारा है, जो हमारा माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है गोदाम में पड़ा हुआ है, हम 8,500 रुपये का चला रहे हैं रेगुलेटर के साथ। 8,500 का जो है ये कितने केजी इसमें गैस आ जाती है? ये 12 केजी का, इसमें 10 केजी गैस आएगी, 10 केजी गैस आएगी इसमें। फिर हमारे पास छोटा है 5 केजी का, 5 केजी का है, वो आपको पड़ेगा रेगुलेटर के साथ 7,500 रुपये का, दोनों के रेट में 5,000 रुपये का फ़र्क है। जी व्यूअर, तो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल वो तसल्ली रखें कि यहाँ पे आप दोस्तों को 1 महीने की वारंटी भी मिलने वाली है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता नहीं बहुत है, सारी शॉप पे ये चीज़ नहीं होती। कस्टमर को तसल्ली के लिए हम 1 महीने की गारंटी दे रहे हैं कि कस्टमर को तसल्ली हो, भाई कहीं से रेगुलेटर कहीं लीक हो या सिलेंडर कहीं से लीक हो, आप बिल्कुल ले आएँ, दूसरा पीस ले जाएँ, लीकेज की हमारी गारंटी है, सिलेंडर कहीं से भी लीकेज होगा, रेगुलेटर कहीं से भी लीक हो, कंपनी वाले हमें गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन ये हम अपने कस्टमर को 1 महीने गारंटी अपनी तरफ से दे रहे हैं।
यानी कि ये कराची हार्डवेयर की तरफ से एक आपको ऑफर दी जा रही है कि अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है या आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आए और एक महीने की वारंटी, लीकेज की वारंटी है। चलें जी, बेहद शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया, थैंक यू जी, सही अल्लाह, थैंक यू सो मच। यहाँ पे तमाम दोस्तों को वेलकम बैक कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंची है और आप दोस्तों के जो भी सवाल थे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे कि आपको कौन सा गैस सिलेंडर लेना है और कौन सा नहीं लेना। क्योंकि ये वाले जो गैस सिलेंडर हैं जो कि आप दोस्तों के साथ अभी हमने शेयर किए हैं, आप दोस्तों को दिखाए हैं, इनमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये जो है सेफ़ हैं। इसमें अगर कोई बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, घर में बच्चे रहते हैं और बाज़ खुला हुआ रह जाता है या 100 चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों में दिल मुतमईन हो जाता है। तो मैं आप दोस्तों को रेकमेंड करूंगा कि आपने लाजमी ये वाला सिलेंडर परचेज़ करना है। तो यहाँ पे आज का हम व्लॉग भी कंप्लीट करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज का हमारा व्लॉग देखा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।